लोकसभा चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, ना ही कौन पूर्णिया से उम्मीदवार होंगे उसकी घोषणा हुई है, मगर इससे पहले पूर्णिया की राजनीति गर्म हो गई है। पूर्णिया में पोस्टर वार में एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में अब पोस्टर फाड़ने का युद्ध शुरू हो चुका है। पूर्णिया में लगातार या तो पोस्टर फाड़े जा रहे हैं या पोस्टर पर ही दूसरा पोस्टर लगाया जा रहा है। पूर्णिया शहर में कई जगह बीजेपी के पोस्टर को कुछ लोगों द्वारा फाड़ दिया गया है, कई जगह पोस्टर फाड़ किसी अन्य पार्टी का पोस्टर लगा दिया गया है। वहीं इस हरकत से बीजेपी के नेता नाखुश हैं और इसकी शिकायत पूर्णिया पुलिस से की है। क्या हटा दिए जी? हाँ, फोटो जो लगा था फोटो कहीं हटा दिए? भाजपा वाला जो लगल था है वो क्या है फोटो क्या हटाए? अभी कौन बोला है? हाँ, यही हटाया आप फोटो देख लीजिए चेहरा। कौन बोला हटाने के लिए? नासिर भाई बोला है। नासिर भाई बोला है? यहाँ देखिए फोटो हटा के रखा है यहीं पे। हाँ, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यह लोकतंत्र में हमारा यह व्यक्तिगत हमको अधिकार है और सभी दलों के जो भी कार्यकर्ता हैं सभी दल का अधिकार है कि वो अपना समय समय पर होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं। और हमारा जो लगा था पोस्टर वो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ जिलाध्यक्ष जी के साथ एक फ़ोटो लगा था कि हम सभी हैं मोदी के परिवार, हमारा भारत हमारा परिवार, यह भाव था उस पोस्टर में। और कल सूचना मिली कि थाना चौक परिसर से पोस्टर को फाड़ा गया और शाम में सूचना मिली कि गिरजा चौक पर भी पोस्टर को हमारा हटा के दूसरे के का पोस्टर उस पर लगाया जा रहा था, जिसकी शिकायत हमने केहाट प्रशासन से भी की और जिसे प्रशासन का भी सहयोग मिला है। प्रशासन ने भी उस पर जो है पहुंचे वो और उसकी जांच चल रही है। विषय है कि यह लोकतंत्र है, इसमें सब लोगों को अपना अपना अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त है और इस तरह की उसी मानसिकता का परिचय नहीं देना चाहिए। सबकी अपनी श्रद्धा है, सबकी अपनी निष्ठा है, वो अपनी श्रद्धा और निष्ठा के हिसाब से अपना अपना राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं कहूँगा कि इसकी जांच करके जो उचित कानूनी कार्रवाई हो वो निश्चित रूप से होना चाहिए और ताकि आगे भी इस तरह किसी भी दल का हो, कोई भी लोग अपने अधिकार का प्रयोग करके यदि वो लगाते हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए। और हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, प्रधानमंत्री जी का परिवार पूरा भारत है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को जो है लोगों के बीच में प्रचार और प्रसार करने का काम करते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की मूलभूत भावना है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सदैव अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय उनकी जो भावना है, तो हम लोग तो इसके प्रचार प्रसार के निमित्त सोशल मीडिया पर या प्रचार प्रसार के माध्यम से करते ही रहते हैं। तो इसका सम्मान होना चाहिए, इस तरह का कुत्सित कार्य नहीं होना चाहिए। शादी की धूम में चमकेगा आपका हेयर स्टाइल दी बिग शॉप के साथ। आकर्षक वेडिंग कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी, सूट, कंप्लीट लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।